ये देखो बुलेट का तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरा भंडारा पड़ा है बुलेट का। टाइम टू स्टार्ट द BMW G310। आवाज चेक करो। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। करते होगे सब अपने लोग यार। सो गाइस, अभी मैं हूँ गोरेगांव में और दोपहर के 12 बज रहे। तो अभी गोरेगांव से मैं और मेरा डैड हम लोग मुलुंड जा रहे हैं। और मुलुंड हम लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको एक बाइक खरीदनी है। तो वहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है बुलेट राजा, जो सुपर बाइक्स, नॉर्मल बाइक्स, प्री ओन्ड बाइक्स बेचता है, वो भी टॉप नॉच क्वालिटी में और एकदम बेस्ट प्राइस में। तो वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे हमको कौन सी बाइक पसंद आती है, क्योंकि हमको बाइक तो खरीदनी है जैसे कि मैं कह रहा हूँ। पर ये बाइक हम लोग अभी डैड के लिए खरीद रहे हैं, मैं भी चलाऊंगा बीच बीच में। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करता, सीधा निकल दो, चलो। अभी फाइनली हम लोग मुलुंड पहुंच गए बुलेट राजा में, और आप लोग देख सकते हो मेरे सामने पीछे एक ऑलरेडी एक लगता है ब्लॉगर है जो होंडा की कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है, मतलब टेस्ट राइड पे जा रहा है। तो अभी हम लोग भी अंदर जाके देखेंगे, बहुत सारे बाइक से इन लोग के दो शॉप से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पीछे, दोनों आप लोग को बता दूंगा। और यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क हो रही है, देखो ये एक बुलेट राजा है और ये एक बुलेट राजा है। हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सब स्पोर्ट्स बाइक वगैरह है। यहाँ पे नॉर्मल मतलब 500 सीसी के नीचे के जितने बाइक्स है सब यहाँ पे है, जैसे बुलेट है, CBR है, अंदर डोमिनार है और बहुत से बाइक्स है, जावा वगैरह सब यहाँ पे है। ये देखो बुलेट का तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरा भंडारा पड़ा है बुलेट का, जो चाहिए वो बुलेट मिलेगी आपको। बाप रे, and check this out guys, trying this out ESD Scram Tiger Red Ad। आप लोग को बोल दूँ इतनी सारी बाइक्स मैंने एक साथ एक रूफ में मतलब स्टोर में कभी नहीं देखा। ये निंजा है, ये दो निंजा है, यहाँ पे BMW, रॉयल एनफील्ड, बेनेली, होंडा, TRK, फिर वापस से रॉयल एनफील्ड, ये है BMW GS हिमालयन, मतलब एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के बाइक्स एक ही रूफ के नीचे, मतलब और क्या चाहिए ज़िंदगी में भाई साहब। देख रहे हो क्या TRK, आवाज़ चेक करो एकदम क्या ही खतरनाक। टाइम टू स्टार्ट द BMW G310। अगर आपको प्राइस का बिलीव नहीं होता तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। ये है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। ये देखो 2020 का मॉडल है, January 1st ओनर, और इसकी प्राइस है 3,10,000। और इसका इंश्योरेंस है January 2025 तक, रॉयल एनफील्ड सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आपको सिर्फ आना है और जो पसंद आती है बाइक वो आपको इधर आके सीधा डायरेक्टली बात करो, जो चाहिए मिल जाएगी। तो देखो ये और एक बाइक है BMW GS310, इसका भी बता देता हूँ। ये है ईयर 2018 सितंबर की, 12,000 किलोमीटर ही चली है। प्राइस आस्किंग प्राइस है 2,90,000, इंश्योरेंस वैलिडिटी 2023 तक, सेकेंड ओनर है। साहब क्या ही मशीन है, आवाज देखो इसका। ESD Scram पॉकेट रॉकेट, तो
A few moments later. तो गाइस अभी मैं जस्ट शॉप के बाहर आया हूँ और आप लोगों ने देखा इतने सारे बाइक्स वो भी अंडर एक रूफ, मतलब इसको आप क्या सकते हैं मल्टी ब्रांड बाइक स्टोर आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे डुकाटी से लेके बेनेली से लेके सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। और अभी हम लोगों ने दो तीन बाइक देखी है जो कंफर्म करना है, मतलब आप लोग को अभी तो आज देखना है कंफर्म कर लेंगे और इसकी जब डिलीवरी होगी उस टाइम पे आपको फाइनल बाइक पता चल जाएगी। अभी देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। और मैं आप लोग को बोल रहा अगर आप लोग को एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की बाइक एकदम सस्ते में चाहिए तो मुलुंड आओ, बुलेट राजा शॉप में विजिट करो, आप लोग को आपकी ड्रीम बाइक मिल जाएगी वो भी एकदम कम और सस्ते प्राइस में टॉप क्वालिटी में। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा गर्म है, आप लोग देख सकते हो इतना पसीना है, ऊपर से मैंने स्वेट पहना है यहाँ पे भी है। तो पापा को बोला तू बाहर बात कर, मैं अंदर एसी चालू करके बैठ गया हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। तो डैड यहाँ पे बात कर रहे हैं बाहर उन लोग से, क्या है लोन बीन का जो भी पूरा प्रोसीजर है वो सब बात करके ले रहे। 20 minutes later तो अभी गोरेगांव पहुंच गए और सीधा मैकडी के इधर आके गाड़ी रुका दी है क्योंकि बहुत भूख लग रहा है। तो अभी जाके कुछ ऑर्डर करते खाने के लिए, जस्ट मैंने मेरा ऑर्डर दिया हूँ। और आप लोग सोचते होंगे इतना वर्कआउट कर रहा है, इतना डाइट करता है तो ये सब कैसे खा रहा है। तो गाइस सीन क्या है, हर जगह पे हेल्दी फूड मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं यहाँ वहाँ पे घूमते रहता हूँ डैड के साथ काम से, तो स्टमक फुल रखने के लिए ये सब बीच बीच में मैं खा लेता हूँ पर कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, पर उसका कोई टेंशन नहीं है, अपन वर्कआउट में पूरा वसूल कर देता हूँ मैं। वर्कआउट मतलब मेरा एकदम ऑन पॉइंट रहता है, जितना खाता हूँ उसका डबल वर्कआउट भी करता हूँ मैं, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ ये साल तक मैंने सोचा है खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, जो तो मैं करके रहूँगा। बाकी बाइक तो अपनी अभी बुक हो चुकी है पर एक कौन सी बाइक है ये आपको बाइक के डिलीवरी के दिन मालूम पड़ेगा। बस भगवान करे ऐसी तरक्की करते रहे हम लोग, ऐसे आगे बढ़ते रहे और आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ और कंटेंट्स लाता रहूँ। तो आप लोग को क्या करना, आप लोग को मुझे सिर्फ सपोर्ट करना है प्लीज़ गाइस। तो लो जी इतना टाइम वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर भी आ गया, अभी इसको मैं घर पे पहुंच के खाऊंगा तो आपको सीधा मैं घर पे मिलता हूँ। ओके लेटर दैट सेम इवनिंग। सो हे गाइस लो तुम्हारा भाई घर पे पहुंच चुका है और घर पे पहुंचते साथ ही मैकडोनल्ड से लाई हर एक चीज खा के भी हो गया है, पेट एकदम फुल हो चुका है। और एक चीज जो मैंने घर पे पहुंचते पहुंचते नोटिस की वो थी ये मतलब गोप्रो मुझे भी दिख रहा है, ये अपने गोप्रो की जो बैटरी है ये पूरी डेड हो चुकी थी। मैं कुछ ब्लॉक करने के लिए गोप्रो निकाला तो देखा गोप्रो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि कल पूरा दिन मैंने गोप्रो पे आधे से ज़्यादा वीडियोस निकाले थे जो भी बाइक पे था तभी, तो गोप्रो की बैटरी क्या फटाफट ख़त्म हो जाती है। तो अभी इसको जाके पहले चार्ज पे रखता हूँ क्योंकि वापस से मैं भूल गया तो इसकी बैटरी डेड की डेड ही रह जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ। तो ये अपना गोप्रो चार्ज पे लग गया है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये गोप्रो चार्ज पे लगा दिया है। और ये थैली है आटे की, अपना स्टैंड है गोप्रो चार्ज करने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, टाइम इस वीडियो को यही पे एंड करने का। सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इतना सब कर ही दे तो बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके तोड़ दो फोड़ दो, अपनी यूट्यूब फैमिली बढ़ाओ, आसपास के लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स को दोस्तों को अपने चैनल के बारे में बताओ, रेकमेंड करो, जितना हो सके शेयर करो, कमेंट करो, लोगों के फ़ोन ले लेके लाइक करो, उनके फ़ोन से भी कमेंट करो क्योंकि अपने को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी स्ट्रॉन्ग यूट्यूब फैमिली बनानी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लान की है, बहुत सारी चीज़ें आगे फ्यूचर में करने हैं, उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर लगेगा क्योंकि सपोर्ट के बिना तो कुछ होगा नहीं। एंड यस जैसे कि बाइक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गेस करो कि हमने कौन सी बाइक ली रहेगी। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, मच लव एंड रिस्पेक्ट गाइस।